नवगठित ब्यावर जिले के बर थाना क्षेत्र के कानियाखेड़ा मोड़ पर एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को राहगीरों की मदद से राजकीय अमृतपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शव को मोर्चे में रखवा तथा बार थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी के अनुसार बारहाल गंगा कॉलोनी उदयपुर रोड चुंगी नाका निवासी बाबू सिंह पुत्र टिल सिंह रोजाना की तरह गुरुवार देर शाम को अपनी बाइक पर सवार होकर ब्यावर से बेमाली जा रहा था। इस दौरान जब वह कानियाखेड़ा गांव के मोड़ से गुजर रहा था, उसी दौरान सामने से आ रहे एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिसके कारण बाबू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस दौरान बाबू सिंह के गांव का निवासी पप्पू सिंह ने घटना को देख लिया, जिसके बाद पप्पू सिंह ने राहगीरों की मदद से बाबू सिंह को उपचार के लिए राजकीय अमृतपुर अस्पताल लेकर पहुंचा था। परिजनों को भी घटना की सूचना दी। इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने बाबू सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया तथा शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही बार थाना पुलिस को भी घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी के बाद शुक्रवार सुबह बार थाने की शेखावासी चौकी की हेड कांस्टेबल संतोष देवी ने राजकीय अमृतपुर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा तैयार कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। 10:23 को लगभग 7:30 बजे कानियाखेड़ा मोड़ पर वहाँ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये बाबू सिंह सन ऑफ टील सिंह यहाँ ब्यावर से जा रहा था गार्ड में बेमाड़ी एसबीआई बैंक में गार्ड के लिए वहाँ ड्यूटी के लिए जा रहा था। वहाँ पे ट्रेलर से एक्सीडेंट हो गया, जिसको यहाँ ब्यावर हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ मोर्चड़ी में रख दिया और मेरे हेड कॉन्स्टेबल संतोष के द्वारा आज इसका PM कराया गया। इसका बच्चा चंदन सिंह, इससे रिपोर्ट ली गई है, बाद PM के लाश सुपुर्द परिजन को की गई।